हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो निकलकर सामने आई है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स द्वारा एक एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो जीता गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिलरी गन्स जो हैं वो एक मिडल ईस्टर्न कंट्री को इन्हें सप्लाई करनी है। करीबन 155 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अपने आप में इंडिया की पहली बड़ी डिफेंस डील है जिसे इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सिक्योर किया गया है, और वो भी ऐसे सिस्टम के लिए जिसे अभी तक इंडिया द्वारा खुद यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर गन सिस्टम कौन सा हो सकता है, कंट्री कौन सी है, ये क्लियरली नहीं मेंशन किया गया है, पर अच्छे खासे चांसेस लगते हैं कि कंट्री यहाँ पर सऊदी अरेबिया हो और गन जो है वो भारत 52 हो, क्योंकि भारत 52 और गरुण 105 जो गन्स हैं ये ट्रायल्स के लिए सऊदी अरेबिया गई थी और इनको इवेल्युएट किया जा रहा था सऊदी अरेबियन आर्मी द्वारा। तो अगर आप सऊदी अरेबियन आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले हाउइट्जर्स को देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर के एक भी हाउइट्जर नहीं दिखेंगे, और यहाँ पर हम टोट हाउइट्जर की बात कर रहे हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर की बात नहीं कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबियन आर्मी द्वारा 80 यानी कि 80 के आसपास ब्रिटिश FH-70 हाउइट्जर जो हैं वो यूज किए जाते हैं, जो कि रिटायर होने की स्टेज में है और ज्यादातर कंट्रियों ने रिटायर कर दी हैं। तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि इन हाउइट्जर्स को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर सऊदी अरेबियन आर्मी द्वारा 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर के हाउइट्जर्स देखे जा रहे हों, और इसी के अंतर्गत भारत 52 का जो इवेल्युएशन है ये सऊदी अरेबियन मिलिट्री द्वारा किया गया हो। बाकी जो ऑर्डर की टोटल अमाउंट है जो कि US 155 मिलियन डॉलर्स है, इसको देखकर भी ऐसा लगता है कि जो नंबर्स हैं वो इसी के आसपास के हों, और ऑर्डर पूरा करने के लिए भी 3 साल का जो टाइम फ्रेम है वो दिया गया है। तो नंबर 80 के अप्रॉक्स हो सकते हैं और ये सऊदी अरेबिया के लिए ही हो सकते हैं FH-70 को रिप्लेस करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम भारत 52 के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी मैसेज जो है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए उसे हम देख लेते हैं। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और CDS FCAT या फिर NDA की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो लाया गया है, जिसको आप बिल्कुल मुफ्त में दे सकते हैं, और यहाँ पर अच्छा स्कोर करने पर आपको फायदे अच्छे खासे मिल सकते हैं। आप यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, साथ ही साथ रैंक 1 को एक 5G स्मार्टफोन दिया जाएगा करीबन 40,000 रुपए की कीमत वाला, और रैंक 2 से 20 तक को करीबन 1,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे। डेट यहाँ पर आपको याद रखनी है, डेट है नवंबर 13 और टाइम है सुबह के 11 बजे। तो यहाँ पर आप अभी से एनरोल कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा MATRIX10। बाकी अगर आप NDA के एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं वो भी चालू होने वाले हैं, कंप्लीट बैच कोर्सेज चालू होने वाले हैं नवंबर 17 से। तो यहाँ पर भी एनरोल करने के लिए हमारा रेफरल कोड MATRIX10 यूज करना पड़ेगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अपनी तैयारी को यहाँ पर टेस्ट करें, एग्जाम बिल्कुल फ्री है, और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो बेनिफिट्स आपको बहुत हैं। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं भारत 52 की, जिसको पॉसिबली एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, और हमारे हिसाब से ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के बाद से ये इंडिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट है जिसे इंडिया की ही एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया है। और यहाँ पर स्पेशल चीज ये है कि ये कम्प्लीटली भारत फोर्स द्वारा ही बनाया गया है, डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक, और इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट सक्सेस मिली है। तो अगर आप स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे भारत 52 गन की, तो अटैक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर खाली 19-20 का डिफरेंस है, पर कॉस्ट में आपको डिसेंट डिफरेंस मिल जाएगा। तो भारत 52 की जो मैक्सिमम रेंज है इसे 55 किलोमीटर बताया जाता है, पर ये डिपेंड करती है कि कौन सा शेल यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बाकी बात करें एलिवेशन एंगल की, तो भारत 52 में आपको ये -3 डिग्री से +70 डिग्री तक का मिल जाता है। वहीं पर अगर आप कंपेयर करेंगे अटैक्स के एलिवेशन एंगल से, तो अटैक्स में आपको -5 डिग्री से +75 डिग्री का मिल जाता है, जो कि ज्यादा बेहतर है, पर अगेन अंतर खाली 19-20 का ही है। रेंज में भी अटैक्स की जो मारक क्षमता है वो थोड़ी ज्यादा है, आपको करीबन 5 किलोमीटर की ज्यादा रेंज वहां पर मिल जाएगी। बाकी फायर रेट की बात करें तो बस्ट मोड में जो भारत 52 है वो 3 राउंड्स को 13 सेकंड में फायर कर सकती है, और इंटेंस मोड में 3 मिनट में यानी कि 3 मिनट्स में 15 राउंड्स को फायर कर सकती है, और सस्टेंड में 60 राउंड्स को 60 मिनट्स में कर सकती है। इसे आप अटैक से कंपेयर करेंगे तो अटैक जो है वो 5 राउंड 45 सेकंड्स में यानी कि 5 राउंड 45 सेकंड्स में फायर कर सकती है बस्ट मोड में, और इंटेंस में 10 राउंड 2 मिनट में फायर कर सकती है, और सस्टेंड में 60 राउंड 60 मिनट में कर सकती है। अगेन यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं। बाकी टर्निंग रेडियस की बात करेंगे तो भारत 52 में ये आपको 25 मीटर के आसपास का मिल जाएगा, वहीं पर अटैक्स में ये 25 मीटर से थोड़ा कम है।
बाकी क्रू रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो अटैक्स में आपको करीबन 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहीं पर भारत 52 में आपको 5 से 8 लोग चाहिए। बाकी सेल्फ प्रोपेल्ड मोड में भी आपको अटैक्स की स्पीड जो है वो ज़्यादा बेटर मिल जाती है, करीबन 20 किलोमीटर पर आर की, वहीं पर जो भारत 52 की स्पीड है वो अराउंड 12 किलोमीटर पर आर की है। तो स्पेसिफिकेशन से ये चीज़ साफ है कि परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर डेफिनेटली प्राइस में डिफरेंस अच्छा खासा होगा और ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा होगा भारत 52 को चूज़ करने के लिए। बट अगेन वीडियो को हम एंड करने से पहले ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि भारत 52 के सऊदी अरेबिया द्वारा सेलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी बताया नहीं गया है। पर अगर आप पास के कुछ रिपोर्ट्स को उठाकर देखेंगे तो कल्याणी की ये जो भारत 52 है ये सऊदी अरेबिया द्वारा टेस्ट करी जा रही थी और यहाँ पर जो प्राइस और टाइम ड्यूरेशन को कोट किया गया है वो भी सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट से मेल खाती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है कि ये गन जो है वो भारत 52 ही हो और सऊदी अरेबिया द्वारा ही ली गई हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।